जसप्रीत सिंह जिंदाबाद 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 आपकी किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान 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 किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। बताइए क्या किस लिए आज आप यहाँ सब इकट्ठे हुए? आज हम लोग किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और मेन समस्याएं तो ये हैं, जैसे जो हमारा गन्ना नीति के अंतर्गत पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पिछले साल का ही पेमेंट नहीं हुआ है अभी आदमी का, और पर्चियाँ समय पर नहीं दे रहे हैं। पर्चियों में भी बड़ा धांधलेबाजी चल रही है, जो वहाँ बिचौलिए बैठे हैं उनकी पर्चियाँ पहले आ रही हैं, किसानों की पर्चियाँ नहीं आ रही हैं गन्ने की पर्चियाँ। दूसरा, सरकार ने जो वादा किया था किसानों से कि कर्जा माफ़ करेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया है। कर्जे को लेकर हम लोगों ने मतलब वो किया है कि सबका कर्जा माफ़ किया जाए किसानों का। तो आप शिकायत करने आए हैं? जी। कहाँ पर शिकायत करेंगे? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित। सुरेंद्र सिंह काका। काका जी, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर आज? आज हम इसलिए आए हैं कि हमारा किसान जो है इस समय बहुत परेशान है। इस सरकार को, ये सरकार जो है किसानों की तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रही, किसान को अनदेखा कर रही है। यहाँ किसान की हालत है कि यूरिया जो है उसकी 300 रुपये यूरिया 300 रुपये कर दिया, 6 किलो रेट बढ़ा दिए, 6 किलो यूरिया कम कर दिया, रेट बढ़ा दिए। किसान क्या करे, कहाँ से लाए? किसान का गन्ना इस समय से पड़ नहीं रहा है, कहाँ से गेहूँ की बुवाई होगी? समय से गन्ना पड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ठेकेदार और दलाल जो है वो अपनी पर्चे बना रहे हैं और किसान परेशान है। समय से जब गन्ना उसका नहीं कटेगा, नहीं बुवाई, तो फिर गेहूँ की कहाँ से बुवाई होगी? गेहूँ कहाँ खाएगा, क्या करेगा किसान? सरकार को इस पर देखना चाहिए। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज, सबसे पहले तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो, उसके बाद जो गन्ना नीति बनाई है उसके आधार पर टाइम से इनका गन्ना पड़े, इनकी समय से पर्चियाँ आएँ, जिससे कि ये अपनी आगे की फसल की तैयारी कर सकें। हमें किसान को यही मांग है, सरकार से और क्या मांग है।